अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग पंजाब पुलिस के कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने पूछा है कि कितने परसेंट आने क्वेश्चन? 25% आने क्वेश्चन। अगली बार सेशन कहीं और करना पड़ेगा, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है भाई। सही बात है, अपने वो पार्क ही सही है, या फिर दड़बे के अंदर बैठ सके तो फिर तो बात है। हमने सोचा था यहाँ शोर नहीं होगा, और अभी तो संडे है, और अगर होता मंडे और होती शाम के 4 तो यहाँ क्या हालत होती है? बहुत ज़्यादा शोर होता है ना। अच्छा बेटा, पंजाब पुलिस के कंप्यूटर के मतलब उसने कहा कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स वाले नहीं पढ़ते, साइंस वाले पढ़ते हैं। आपने मैटर साइंस से की थी, आर्ट्स से? सही, इतना साइंस से की थी, शायद इसे इलम नहीं है। जिन्होंने मैट्रिक आर्ट से की थी, क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर है कंप्यूटर के मतलब जनरल साइंस के अंदर, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, रैम और रोम है। आए थे में जी। और जो इन्होंने साइंस से की हुई है, फिजिक्स के अंदर भी एक कंप्यूटर वाला चैप्टर है। पहुंच गए हो, नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मैंने किया ही कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर के साथ तो आपने किया, वो तो कंप्यूटर आपको आता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक बायो के साथ भी किया ना, तो कंप्यूटर का पार्ट फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर वो डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर, ठीक है, और वो उसके अलावा उसके अंदर सारे वो जिसके अंदर ऑपरेशन आते हैं, ऑन नॉट एंड ऑपरेशन, सारे लॉजिक गेट्स वगैरह, वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो जनरल साइंस की बुक में से पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो चैप्टर है ना, वो सब जगह उन्होंने इंक्लूड किया है, इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर का 20-30% रखा है। अब कंप्यूटर का आप लोग याद कहाँ से करें? क्या आएगा, रैम है, रोम है, ये सवाल आएंगे? ये सवाल नहीं आने आपके। सवाल ये आ सकता है आपका, कैशी मेमोरी क्या होती है? क्या कैश, कैशी मेमोरी, CACH, कैशी मेमोरी क्या होती है? ये सवाल आ सकता है आपका। ये सवाल आ सकता है ALU या LU में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, अर्थमेटिक प्लस माइनस वगैरह लॉजिकल यूनिट जिसमें गेट्स लगते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ड डिस्क प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी है, कौन सी है? कंप्यूटर पढ़ा आपने? अब पढ़े हुए बहुत अरसा हो गया ना, सेकेंडरी है, प्राइमरी रैम और रोम है, ठीक है भाई साहब, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, अगर ये सोच रहे काश में अप्लाई कर देता, अगर रिवीजन नहीं करोगे, अगर सही तरीके से पढ़ोगे नहीं, आज तुम्हारी सिस्टर सही जगह ले आई है तुम्हें, ठीक है। हमारे पास आलिशान जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो आलिशान जगह भी नहीं है, ठीक है, ये फ़र्क है। तो जौन से है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों ने बेसिक करना है, बल्कि मैं तो आसान से आपको कहूँ कि क्लास 9-10th की फिजिक्स में जो कंप्यूटर का चैप्टर है वो, क्लास आर्ट्स में जो कंप्यूटर का चैप्टर है वो, इन दोनों चैप्टर को आप पढ़ लें, रिवीजन कर लें, प्रॉपर्टीज आर्टिस उन्हीं में से MCQs काफ़ी हद तक आ जाने हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर्ली कीजिएगा। देखते हैं, चरण सरकार भाई, अल्लाह हाफिज़।